मैन का कोई फैक्ट है कोटेड। कुछ रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने किसी ग्लोबल फोरम पे कुछ बात कही है और बहुत रेलेवेंट है, या आपके फॉरेन मिनिस्टर ने मल्टी अलाइनमेंट पे बात करी है। इट इज ऑल्सो अबाउट ह्यूमन बींग टू बींग ह्यूमन, बिकॉज वी आर थिंकिंग अबाउट अ ग्लोबल परस्पेक्टिव जहां पे हर नेशन का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट हो। फाइन, सो कोट्स, फैक्ट्स, डेटा, रेलेवेंट जो चीजें टॉपिक से रिलेटेड हो उसको अपने ओपिनियन से लिंक करो। दिस इज हाउ यू सब्सटैंशिएट। दिस आई वाज सेइंग बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी बट पॉजिटिव अप्रोच विद अ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। देखिए, अगर आप, आई एम नॉट सेइंग कि एनी स्कूल ऑफ थॉट इज वेरी रेडिकल, बट यूपीएससी डज नॉट, आई मीन, और दिस एग्जाम नीड्स अ बैलेंस इन एवरीथिंग। जैसे आप कोई भी स्कूल ऑफ थॉट की, जैसे लिबरलिज्म की बात करते हैं, तो जैसे फिर इंडिविजुअल्स के राइट को रिप्रेजेंटेशन, मतलब रिकग्निशन मिली, कॉन्स्टिट्यूशन बने, राइट टू प्रॉपर्टी आया, फिर इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, बट ऑफकोर्स इट हैज ऑल्सो इट्स इल साइड। तो कैसे एक्सप्लोटेशन हुआ, मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट भी आया, उसने इसको कैसे डेवलप करा, फिर लिबरलिज्म ने इसका कैसे एक तरीके से रिस्पॉन्ड करके खुद को फिर से फ्लेक्सिबल बनाया, उसमें वेलफेयर का पार्ट आया। लेकिन मार्क्सिज्म हमेशा रेलेवेंट रहा टू इम्प्रूव कि वो प्रोग्रेस, वो जो एक ह्यूमन काइंड की प्रोग्रेस है वो चलती रहे। तो इसमें हमने लिबरलिज्म को भी बताया और मार्क्सिज्म की भी रेलेवेंस को बताया, लेकिन हमने किसी को ऐसे आउटराइटली सपोर्ट नहीं करा। आप यहाँ पे किसी के एडवोकेट मत बनना, मतलब कि आपका पर्सनल ओपिनियन कि मुझे लिबरलिज्म पसंद है, मुझे मार्क्सिज्म पसंद है, वो चीज यूपीएससी डज नॉट वॉन्ट। इट वॉन्ट्स यू टू क्रिटिकली एनालाइज बोथ स्कूल ऑफ थॉट एंड हाउ यू कैन ब्रिंग योर पॉजिटिव अप्रोच इन टू इट। यू आर नॉट देयर टू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स, यू आर देयर टू डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम एंड देन सॉल्व इट। हैव अ प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच, हैव अ पॉजिटिव अप्रोच। यू हैव टू एक्सप्लेन बोथ साइड ऑफ द स्टोरीज। यू हैव टू ऑल्सो एक्सप्लेन कि इस चीज की डिसएडवांटेजेस क्या हैं, मतलब फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की प्रॉब्लम्स क्या होंगी, क्या इससे आपकी प्राइवेसी ब्रीच होगी, क्या इससे मशीन्स पे हम ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे, या इससे इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होगी जो इन जनरल मैनकाइंड को हेल्प करेगी। तो हमें बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरीज बोलनी है विदाउट एडवोकेटिंग फॉर एनी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, बट यू हैव टू बी कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिकल and very optimistic in your approach along with explaining the problem also, but you don't, again, no emotional attachment with any particular school of thought. What UPSC requires is balance. Fine. 15th point, I got to highlight it because recently I was checking an essay paper also of a friend. So when I was checking it, to mujhe wo point na samajh nahi aa raha tha कि वाई दिस पर्सन हैज कोटेड शर्लॉक होम्स और एनी अदर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल था कि कैसे शर्लॉक होम्स को, मतलब टॉपिक से लिंक करा, आई कुड नॉट डेवलप दैट लिंक। सो व्हेन आई वाज रिव्यूइंग विद हिम, आई आस्क्ड कि हाउ डिड यू डेवलप दिस लिंक, आई मीन आई डिड नॉट गेट इट। मे बी आई वाज नॉट एबल टू थिंक फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव कि मे बी येस दिस कुड बी पॉसिबल, बट आई केप्ट थिंकिंग अबाउट इट। बट व्हेन आई आस्क्ड हिम, ही सेड I also could not, I mean, clearly in my head explain the linkage. That's why I'm saying ki if you are not able to justify yourself ki ye point yahan pe relevant hai, or just for the sake of writing one more paragraph aap sirf usko aise hi likh rahe ho, don't do that. Write points which you are very confident about, which you are thinking yes it is linked to the paragraph, I mean to the essay, and then only write it. Don't write it just for the sake of writing a paragraph or ek aisa example ki aap Game of Thrones se kuch likh to rahe ho but aapko khud nahi pata ki wo topic se kaise link ho raha hai. So don't do that also. Do not write points if you are not happy, I mean satisfied with it, ki aap khud ko conviction de pao ki yes this is how I can एक्सप्लेन इट। तो क्योंकि अगर आप खुद अपने दिमाग में उस पॉइंट को समझा नहीं पाओगे तो एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा।
और फिर वो ज्यादा जार्गन हो जाएंगे, जहां पे आपका एक पूरा पूरा पैराग्राफ मिस हो सकता है।